बड़ा बाजी क्या कॉम्प्लेन हो रहा है मुन्ना दुपड़ा दे मुन्ना वेलकम टू माय चैनल। असली आज ट्रेजडी हो गया। तो कल रात को वो जो ग्रैंड फादर है ना, वो कल एक्सपायर कर गए और 11:30 बजे उनका डेथ हो गया। तो हम लोग रात भर सोए नहीं, रात भर पूरा जगह बैठे थे वहाँ पे। थोड़ा बहुत अभी सोया था। हम लोग अभी जाएंगे, बहुत सारे लोगों को फ़ोन बंद कर रहे आने वाले हैं। उनको जो बेटा है ना, वो भी कल कड़ा में रहता है, वो आ नहीं पा रहा है क्योंकि वहाँ पे कोरोना के लिए रात को सब बंद है, ट्रेन बंद है, बस बंद है। देखते हैं क्या होगा। लेकिन हम लोग सवेरे सारे लोग बाहर बैठे रात को 11:30 से हम लोग यहाँ पे बैठे। अभी सुबह का 4:30 बज गया है। तो अभी 8-9 बज के अंदर सारे मतलब जो 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 क्रियाक्रम का कार्यक्रम है शुरू हो जाएगा। और सर्दी बहुत है तो थोड़ा सा। लेकिन और एक चीज़ बताऊँ कि वो ग्रैंडफादर की जो मेरे हैं वो 90 ईयर के थे, ऑलमोस्ट 90 साल का। और मैं दादू बोला था उनको। वो गांव में जो है ना, जो फैमिली वगैरह सब रहते हैं ना, यहाँ पे जो चीज़ होता है सारे मिल के सारे चीज़ को हैंडल करते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो भी रहेगा उनका क्रियाक्रम रहेगा, वो करेंगे सब लोग मिल के। सारे आ रहे हैं यहाँ पर, हम लोग का जो चाचा वगैरह सारे हैं यहाँ पर, तो उनके घर के फैमिली वगैरह सब है। हम लोग बहुत बचपन से उनके साथ खेले, मतलब हम लोग बहुत गुनाह व्यवहार घुमाए हैं। वो साथ मतलब उनका साथ जीवन लाइफ है, उनका लाइफ में पूरा वो गांव में ही थे। वो खेती करते थे, खेती बाड़ी वगैरह जो है ना वो सब करते थे। तो इसलिए थोड़ा बहुत ये हो रहा है, बुरा भी लग रहा है बहुत। 90 ईयर के मतलब थोड़ा बहुत तबीयत उनको ख़राब था। मैंने रात को देख के आया था शाम को। मतलब वो थोड़ा सा उनका ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग नहीं ले पाते थे। तो ठीक है जो होता है ठीक है। तो वो जो मतलब दादी माँ जो है ना मेरा, वो भी 85 के ऑलमोस्ट है। दोनों साथ में 80-90 साल बिता दिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो हम लोग का जो सिचुएशन अभी है, जो तबीयत का प्रॉब्लम जो रहता है ना, हम लोग 60 साल 50 साल तो जिंदा रहेंगे नहीं शायद, लग रहा है। लेकिन उनका दोनों का है। चलो ठीक है, मैं आज पूरा जो है उन्हीं के साथ रहूँगा। अभी जो भी कार्यक्रम रहेगा तो हम लोग यहाँ पे उनको लेके जाएंगे। यहाँ से कुछ दूर वहाँ पे मसान तो नहीं होता है, अपने खुद के ज़मीन पे उठा गड्ढा खोद के उनको दफनाएंगे, क्योंकि जलाया नहीं जाता है हम लोग यहाँ से, तो दफनाना पड़ेगा। तो सब अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं उठ के जा रहा हूँ, जाके फिर मैं करता हूँ। मैं मतलब थोड़ा सा ख़राब लग रहा है, फिर भी करना पड़ेगा, क्या है, लाइफ तो आई है। आज मैं हूँ, कल कोई है, कल और है, चलेगा सारे चीज़ का ऐसा ही। चलो चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह का होता है गांव में ये सब जो होता है, किस तरह का होता है। हाँ, तो खुशी भी लगता है कि 90 ईयर ओल्ड तक वो ज़िंदा रहे, ये बड़ी बात है। क्योंकि आजकल तो 50 साल रहना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलो फिर हम लोग, मैं थोड़ा जो वे करता हूँ फिर। सब आस पड़े पेन पड़े से पड़े चल सब चल बदले वाले खोला बाहर गड़ी पड़े वहाँ। आउडे छोटे जरान सर हॉल जगह दिया देखो कोण ना बहुत एक्सेस ये कोण इतने बड़ा घंटे कम आ जाते कि इतने कोई जानता ये करिवे नहीं मु तो सब बड़े देखे के कला बाबू बड़ा हरी बोलो यहाँ से आसपास हम लोग जो स्मशान है ना गांव का 1 किलोमीटर के आसपास होगा। यहाँ से हम चल के पूरा यहाँ रहते हैं। माटी गिल्ला है, अभी तो मतलब बारिश का मौसम था तो थोड़ा थोड़ा देखिए। राम नाम सत्य है, 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 हरि नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम आओ किसी दरकार नहीं दियो बस पानी डाल दो। पानी पानी कौन हो पानी दरकार पानी दिया पानी दो निया को था ए निया बढ़िया लगा निया लगा ना बढ़िया हां निया है सेट पकड़ दे निया मत पकड़ और निया बढ़िया ना ना उड़ा दे से बढ़िया बस के कंप्लेन हो सब बढ़िया बस था ठीक है। अरे मौजा तुम खाओ चलो तो मौजा निया दियो दियो तुम जान दिस जान बुन्नु आओ ये भाई एरिया दा धरा तो एपड़वा एपड़वा सब जा बुन्नु जा जैसिल लियो मारो मारो भीतर जो साइड ए आउट साइड चले मैं निया हो के पो देवे से तार गुआरे घुंची चले मछमाची मछमाची मुकिया दो छत में के चले वो तुम निया देवे नाचे के कोन वो लगा वो बढ़िया बुले गए वो बुले तोड़ को दे तोड़ के ना 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 दे ना लगे दे खाली घंटा हो जे एबे कवर कर और के बसी जाओ तू हे जो सब ठीक लागला खेल लागला सब खोल ली जो जड़ाऊ ना रो रो रागी जाओ बोले दे दादा बोले बोले हरि हाथ मार सुन जा नहीं जा तो नहीं जा मुन्ना दुपड़ा दे मुन्ना कानून के दर्द धर दिया खाली धर दे बस बस थोड़ा थोड़ा सटी ए दुपड़ा ला अरे दुपड़ा लग गया माटी के दियो ए सब माटी डाला के माटी डाला से दुपड़ा लग गया कोदार तो खोल लो नहीं खोल दे जाओ खोल दे धर धर ये के धर जो धीरे टाणो जो अलग के टाणो तुम झाड़ा छाड़ दियो भाई ताकिया छाड़ नहीं जा धीरे 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 सेला सेला के प्रथा ना एला खाली दिया जाय एई पाई जो तो सही कर गोटर मार छोटे वाड़ खाई भस्म मार दो त मुंडा हो गयो गरम नंबर पे दे तू एक खड़ी बस चल चलो 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 धीरे 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 कोता कोता काई डालो काटो कोंटा काटो कोंटा आनी जो को कोंटा काटियो आ कोंटा दिया ना को कोंटा माने खजरी कोंटा ना खजरी बाबू बाबू एडी एतोड बाग ना सेटा कर संता धर पूरा हां बेटा एटा एटा कर अरे जा रहो काटिया ने कोंटा 10.5 हो गया एटा पूरा रहा एटा एतोड जंगल अछि मु देख फर्स्ट टाइम मु 11 वर्ष तला आइ थिन 11 12 वर्ष त मु जीबी मु का करबी अरे एक कथा तने मु जा पळेबी अरे बाबा ये कोता गई दर जर के नहीं तुम बता कोता नहीं ना एठी काम सरी हां म सोला जाऊ माटी देला कोन ए सोला ए सोला रे देख लो बुढ़ादा दिल्ली ए गोटे कंप्लेंट दा जीवन सारा होला 100 वर्ष ला सही काम कर 100 वर्ष ला सोला आनी काम ता करी बाला सोला तू सोनु पळे तू तोर चली को करी पळे जी हां ए बस पळे तानु चला पळे जा हां चला चल से अलग काम अच्छे से कर दे ये बड़ जिन नुह ये एक्सट्रा एक्टिविटी चलाओ ब्राह्मण रही कौन हो गले रोसई रोसई जो ये ना दा नहीं सुखा ना दा नहीं बस कोदार हाँ मतलब खजरी कोदार हाँ इतना बता ना बोले कौन कर खजरी डाल को कोदार हाँ हाँ तारी पीट देखियो बहुत गात बढ़िया उच्चता खोलिया गले टाइम लगे कि बोले अरे सर तू जा तू थे पर काम कानो कानो झील को नहीं तो ये थोड़ा जंगल अच्छे मुझे जानना था वहाँ सुना आज हाँ चला चला अभी चुप खाली ना सेठी जो पगड़ी में जो कम ना से दरकार अच्छे तो भंगा भंगी हम दुनिया भर सांगर के ना पुआ पिला कह मिनिट ये पिलाटा कहीं आई था ट्रेन कदा 56,000 एक्चुअली ये हम लोग का स्मशान इस तरह का नहीं होता है यात्रा जो जो जगह जिसका जगह है जहाँ पे उन लोग को लास्ट टाइम में जैसे कि एक जगह पे जो करते हैं ना जो भी स्मशान में होता है वो हम लोग गाँव में ऐसा नहीं होता है अपने अपने गाँव जगह पे वो दफनाया जाता है वो जलाया जाता है जो भी होता है वो गाँव में होता है तो इस तरह का स्पेशली कोई स्मशान नहीं होता तो इसलिए हम लोग इतना दूर आना पड़ा क्योंकि उनका प्रॉपर्टी इतना यहाँ पे अपने प्रॉपर्टी में अपने हाँ आईलू तो इतना चली पड़े कौन कर मुंड ठीक ना पूरा मुंड खराब था पता नहीं से गला मु हां जिमी आ मामा से तो नहीं मामा कोई ओन जी क्या मम्मी पर हम करे हां मोबाइल हां तू आवे थोड़ा चली पड़े मोबाइल हां खाइबो ये हमन ले तो हटो एटा 1 किलोमीटर पाखा के होने ऊपर आओ 2 किलोमीटर पाखा हेलो 2 किलोमीटर हम खाए थे चल तो हां 2 किलोमीटर होने 1 किलोमीटर हाफ हो 1.5 किलोमीटर पाखा के हो ए घर पाए 1 किलोमीटर घर पाए होने हां 1000 मीटर कितने इस तरह का जगह देख लेना ये पूरा जो है इसको ये सब खेत है खेत लाइन है खेत खेती होता है अभी तो सूखा हो गया अभी विंटर टाइम आएगा ये पूरा समर में ये पूरा सूखा हो जाएगा पानी नहीं मिलता है इसके अंदर आने के हो गया है तो पानी लेके बॉटल लेके आओ नहीं तो पानी के बिना मर जाओगे इतना बड़ा एरिया है तो यहाँ पर ज़्यादातर अपने अपने प्रॉपर्टी में जो भी आपका जो भी रिश्तेदार मरता है कोई भी एक्सपर्ट करता है ना उसको दफनाते हैं यहाँ पे ज़्यादातर दफनाया जाता है जलाया नहीं जाता है जलाया का सिचुएशन हम लोग का हिंदू धर्म में तो है लेकिन गांव में वो प्रिफर करते हैं कि दफनाने के लिए दफना में इसमें मतलब मिट्टी के अंदर दफना के उसमें मिट्टी दे देते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा में जलाते हैं अभी शुरू हुआ है थोड़ा बहुत जलाना तो इस तरह का माहौल है यहाँ पर ये मेरा मैंने सारे वीडियो बनाया था लेकिन अंतिम संस्कार का वीडियो जो है मेरे पास नहीं था मैंने बनाया नहीं था आज मिला मेरा अपने घर में ये मेरे ग्रैंडफादर है 90 साल का है जब हम लोग छोटे थे गांव में थे तो उन ले वो क्या कहते हैं हम लोग लेके जाते थे पूजा वगैरह होता था ना गांव में फेस्टिवल होता है हम लोग लेके जाते थे वो ज़्यादातर जो क्या करते थे कीर्तन वगैरह होता है ना वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे उनको बजाना तबला वला बजाना बहुत मतलब गाता था और शौक भी है और खेती करते थे हम लोग का जो जितना जमीन था ना वही खेती करते थे ज़्यादा टाइम कल से तबीयत तो ख़राब था लेकिन देर तो चल नहीं पा रहे थे तो कल रात को 11:30 को एक्सपायर कर गया वो तो लेट हो गया तो सुबह अभी सुबह का सारा इंतज़ाम करके रेडी करके करते करते अभी 12 कितना टाइम हिरा कितना टाइम हिरा टाइम कितना हाँ ऑलमोस्ट सो देखो छोटे बच्चे सर साथ में आए थे तो आगे मेन रोड पे आ गए हम। मेन रोड से अभी जाएंगे नहाने के लिए, नदी में जाना। चलो हाँ, नदी में जाना पड़ेगा नहाने के लिए। तो नहाने के बाद खाना जो होता है ना, खाने का उसको क्या होता है ना, पूरी वगैरह होता है। जब वो जो यहाँ से जाते हैं ना स्मशान से, वो बाहर रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ नीम का पत्ते और वो गंगा जल उसको लेके फिर घर में जाते हैं। फिर नहा धो के जो पूरी जो है वो खाना दूसरा का होता है, जो भी पैसेंजर है उनका तो यहाँ पर होता है। मुझे पता है ये सोनू गया था मेरे साथ में बाहर, क्या चल दिया ये बच्चे सब चले गए साथ में। तो हम लोग अभी नहाने के लिए जाना पड़ेगा, नदी में नहाने के लिए जाना पड़ेगा। तो नदी में जा रहे हैं, फिर नहा धो के फिर जाएंगे इधर। और थोड़ा सा प्रोसीजर है, मैं बताऊंगा आपको किस तरह होता है ना। तो मुझे जाना पड़ेगा घर पे, फिर मैं दिखाता हूँ करना पड़ेगा। हाँ तो गरम भाई पानी ठीक चला बाहर कर दियो, बाहर कर दो। जो दादी माँ उसका तबीयत खराब हो गया था, उनका सुन के जो दादा का एक्सपायर सुन के वो खराब हो गया था, उनको नहा धो के फिर हम लोग ये करना पड़ेगा जो भी है। क्योंकि फिर हम लोग नहाने जाएंगे, हो गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं। यहाँ से नदी में जाएंगे, नदी के पास में आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में नदी कहाँ पे। तो जा रहे हैं हम नदी में नहाने के लिए, सारे लोग जा रहे हैं। मैं अभी नदी के किनारे पे बैठा हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके नहा गए, क्योंकि जो नहाएगा उसके बाद कोई छुएगा नहीं किसी को, इसलिए पहले वे नहाते हैं, फिर एक एक करके जाते निकलते हैं, फिर हम लोग जाते हैं। अभी मैं बैठा हूँ, लाइन में रखा हूँ। लाइन पे नहीं बोल सकता, लेकिन वहाँ पे भीड़ है, बहुत भीड़ है, जो मतलब किनारे में जा पे नहाते हैं। तो अभी नहा रहे हैं, तो उसके बाद वो नहाएंगे तो मैं नहाऊँगा। चलो मैं नीचे चलता हूँ, क्योंकि तो भूख बहुत जोर से भूख लग रहा है, थोड़ा खा लेते हैं, चलते हैं। कहाँ तक जो आ रहा हूँ मालूम नहीं, किसी ने कुछ लोग कोई मालूम नहीं बदल गया। हाँ फिर आओ कौन आओ कौन कोई मिल सकता है, सिर्फ पानी यही चला नहीं चप्पलटा तो नहीं है नहीं। गोटाडे रखता पाखे आठ